स्वागत है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये पार्ट वन में मैंने बताया था, ये क्वाइल भर के मतलब हाई स्पीड, सिंगल क्वाइल से दो क्वाइल से वाइंडिंग करना हाई स्पीड। तो वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए ये पार्ट वन है। अब मैं पार्ट टू आपको बताना जा रहा हूँ। अभी ये क्वाइल अपन ने पार्ट वन में ये भर के बांध दी थी और इसके टर्न वगैरह सब पार्ट वन में दिया है, वो मेरे चैनल पे आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा। अब इसका पार्ट टू अपन तैयार कर रहे हैं। अब जैसे ये है, अब इसमें अपन है तो ये इसमें पेपर लगा लेते हैं, ये पेपर इसमें लगा लेते हैं और अपन इसका तो पार्ट टू बनाना चालू करेंगे, पार्ट टू से वाइंडिंग करना चालू करेंगे। अब ये इसमें पार्ट टू में अपन ने पेपर लगा लिए, ये वाला टू क्वाइल से दो क्वाइल से वाइंडिंग करना। अब दो क्वाइल से वाइंडिंग करना है अपने को, तो एक क्वाइल मैंने लगा दी है और इसका वीडियो भी डाल दिया मेरे चैनल पे है ये, और दो इसके ये तार निकाल दिए हैं और अब इसके पेपर भी मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं आपको दूसरी क्वाइल बना के डाल के आपको बताता हूँ। ये इधर ये क्वाइल इसकी मैंने बनाई है, ये वाला, ये अब ये क्वाइल बन के तैयार हो गई है, ये वाली। अब मैं आपको इसको डाल के बताऊंगा। अब इसकी साइज मैं आपको बता दूं, ये 28 इंच लंबा है और 670 टन है इसमें, और दूसरी जो स्टार्टिंग की क्वाइल है स्टार्टिंग की वो 25 इंच लंबी है और 650 टन में स्टाइल कर दिया है उसने, ये भाग दूसरा है। अब इसमें 670 टन है। अब ये क्या है, अब ये अपन ने एल्यूमिनियम से लिया है। अब ये कॉपर वाला तार खत्म हो गया था तो ये एल्यूमिनियम से लिया है, क्योंकि अपन तो आपको सस्ता काम करके बता रहे हैं, जुगाड़ वाला, ये बात करना। अब ये दो क्वाइल से वाइंडिंग करा है अपन ने, एक क्वाइल भर दी है, ये भाग टू है, ये दूसरा भाग है। अब इसका ये पहली वाली क्वाइल का ये कनेक्शन निकला हुआ है और दूसरी जो क्वाइल डाल रहे हैं अपन उसके ये वाले कनेक्शन है ये। अब देखना, अब ये होल की सीध में आप हम इसमें डालेंगे तो पहले क्या करते हैं, ये पेपर डाल लेते हैं। इससे क्या होता है, कभी आप मेरे प्रेमियों को कभी क्या है वायर कटने का डर है, जैसे कोई जानकार आदमी है वो तो नहीं कटने देता है, पर कभी नया कोई सीखे तो उससे क्या है कट सकता है, इसलिए अपन इसको लगा सकते हैं। अब इसको मैं आपको वाइंडिंग करके बता दूं। ये रनिंग क्वाइल है और रनिंग क्वाइल है, इसकी साइज मैं आपको एक बार और बता दूं, ये 28 इंच लंबा है और 670 टन है और 35 नंबर तार एल्यूमिनियम से बनाया है, मेरे पास तार खत्म हो गया था एल्यूमिनियम से बनाया, और 7 नंबर पेपर ये पीवीसी का लगा के इसमें ये पेपर लगाए हैं और ये 400 आरपीएम पे चलेगा। अब ये देखो आप, इसको ऐसे कर लिया आपने, ये ऐसे कर लिया। अब इसको अपन ऐसे कर देते हैं, अब इसको अपन निकाल लेते हैं, निकाल लिया। अब अपन इसको थोड़ा घुमा देते हैं, ये पार्ट टू है और टू क्वाइल से बनाया है, और एक क्वाइल कॉपर की है और दूसरी एल्यूमिनियम की है, क्योंकि आपके पास मान लो खत्म हो जाए तो आप कहाँ से लेने जाओगे। अब इधर से अपन ने उठाया, ये ऐसे इधर से उठा के इसमें डाल दिया। आराम आराम से कर सकते हो आप, ये तो ज़्यादा जल्दी करोगे तो हो सकता है आपका तार कट जाए या छिल जाए, तो फिर पंचर भी हो सकता है, इसलिए मेरे प्रेमियों को मैं ऐसा आइडिया बताना जा रहा हूँ जो कि उनको अच्छे से काम हो जाए, अच्छे से सीख जाए। जो सीख गए उनका तो कुछ नहीं, वो तो सीख गए, वो तो सीखे हुए हैं, उनकी जर नहीं है। अब इसको अपन है तो ये वाला है। अब क्या है, ये इसके दो छोर ऐसे निकाल दिए अपन ने, ये दो छोरी है और दो छोरी है, इसको अपन इधर कर देते हैं, ये इनको अपन इसको इधर कर देते, ये कर दिया, और इसको भी इधर कर देते हैं, ये कर दिया। अब इसमें आप चाहो तो
इसको पेपर लगा सकते हो, क्योंकि आपका बार बार निकलेगा नहीं, और इसमें आप आराम से ऐसे पेपर इंस्टॉल कर सकते हो, तो आपको करने में आसानी होगी ये वाला। और इसमें भी आप पेपर डाल सकते हो। ये हाई स्पीड फैन है ये वाला। आप दूसरा अपन लेते हैं ये वाला, इधर से उठाया अपन ने और ये इधर लगाया, तो अपन क्या है इसमें पेपर लगा लेते हैं। पेपर लगाने से फायदा बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका पेपर कटेगा नहीं, ये तो फिर वो मैं तो डाल दूंगा कॉइल पर, वो मेरे प्रेमी कहेंगे यार इसमें तो पेपर कट जाएगा, ये है वो है, तो इसलिए अपन इसको अब डाल देते हैं ये डाल दिया। अब इसको अपन ऐसे खींच लेते हैं, ये ऐसे खींच लिया, ये ऐसे खींच लिया, इसको निकाल दिया, ये आप ऐसे डाल सकते हो। और मान लो आपको ज़्यादा परेशानी आए तो ये पेपर फिर आप ऐसे लगा सकते हो, हरा पेपर भी डाल सकते हो, ये हरा पेपर और अच्छा थोड़ा मजबूत रहता है, ये ऐसे आप पेपर डाल सकते हो। आप इसको घुमा के, इसको घुमा के फिर इसको है तो फिर ऐसे इसको लगा सकते हो। कभी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबा देना, और आपके दोस्तों को शेयर कर देना, पर लाइक ज़रूर करना। ये अब ये इसमें डाल दिया अपन ने, अब इसको ऐसे करके दबा के ऐसे खींच सकते हो, ये ऐसे दबा के खींच सकते हो और इनको निकाल सकते हो, ये इनका काम हो गया वापस। ये इसको आप ऐसे खींच सकते हो। अब ये दो कॉइल अपन ने भरी है, आप तीसरी वो और मैं आपको भर के बता दूँ। इधर डाला, ये इधर डाला, फिर इसको इधर से उठा के, ये बिगर मशीन से वाइंडिंग कर रहे हैं आप, टू कॉइल से, और टर्न वगैरह सब मैंने बताया है, ये है। अब ये इसमें डाल दें, ये आसानी से लग जाएगा, ये लग गया ये लग गया, कोई तार छूटे नहीं। आप थोड़ा बारीकी से ले, मेरे से कभी तार छूट जाता है, दिखता नहीं है इसमें, तो आप तार छूटे नहीं, और ऐसा करके को ये करें। और फिर मान लो कि आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप पेपर काट के लगा सकते हो, उसको पेपर काट के आप, आपके हिसाब से ऐसा ये निकलेगा नहीं, नहीं तो फिर क्या है जैसे आप इधर करते जाओ उधर निकलता जाए। ये अब इसको निकाल दिया अपन ने, इसको हिंच लगते, ये टू कॉइल से हाई स्पीड और भाग टू वाला है ये। फिर इसको घुमाते हैं अपन ऐसा, फिर ये लगाते हैं, ये लगा दिया, फिर ये लगा दिया, फिर इसको ऐसे उठाया, ये ऐसे उठाया, और ऐसे इसको आराम से आप डाल सकते हो। आप एल्यूमिनियम से भी बना सकते हो, आप कॉपर से भी बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे आप बना सकते हो। अब इसको आप निकाल दो, ये निकाल दिया आपने, अब आसानी से आप इसको ऐसे बिठा सकते हो। अब ये मैंने बांध दिया इसको, दोनों कॉइल कंप्लीट कर दिए। अब क्या है, अब इस पर आप चाहो तो ये टेप है, कार्टन टेप मार सकते हो। जैसे इसकी कॉइल तो बाहर नहीं है, पर मान लो इसकी कभी बाहर हो तो आप ऐसा आ सकते हो ये वाले। अब ये कार्टन टेप से क्या है, आपकी कॉइल एक दूसरे में टच नहीं होगी, और आपके मान लो कॉइल भी ज़्यादा मतलब छोटे बड़े होगी तो स्टेटर में भी टच नहीं होगा। अब ये पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया है ये वाला, और इसका मैंने कनेक्शन भी कर दिया है। अब क्या है, इसका कनेक्शन भी कर दिया है ये, अब इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है। अब मैं आपको इसको चेक करके बता देता हूँ। अब मैं आपको ये सीरीज बोर्ड से
आपको इसको चार तार के जो कनेक्शन है ये कनेक्शन करके मैं आपको बताता हूँ। ये दो लाल है और दो हरे है, अब देखना आप ये ओके, अब देखना ये ओके, ये ओके, ये ओके। अब इधर देखना आप, इधर अर्थ भी नहीं हो रही है। अब ये वाइंडिंग करके तैयार हो गया है, ये भाग टू है और टू कॉइल से बना हुआ है। अब ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।